तो इसका वो मेल किधर है? मेल काट कई बंदे ने चंगा सही 1000 रुपया दे दे सही वापस काट के पैसे दे दे। जी अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन, एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे ड्रोन वाला भाई पे। तो सारी रात हमारे कानों में बारिश की आवाज़ सुनाई देती रही है, तो देखते हैं कि अभी बाहर का मौसम कैसा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी लड़के ने नाश्ता कर लिया है। क्या ये देखे ये देखे, अभी चलते हैं आपको बाहर दिखाते हैं कि बाहर का मौसम कैसा है, आज की रूटीन कैसी रहती है। बताया गया है कि आज भी सारे दिन बारिश है, लेकिन मजे वाली बात यह है कि बाहर धूप निकली हुई है। लेट्स गो। ये है जी सुबह सुबह का गली का मंजर, और सुबह सुबह उठते ही काम करना पड़ेगा। सलाम वालेकुम भजन, क्या हाल है? ठीक हो भाई? इसे तो ठीक है। सर फ्राज भाई को मैंने कहा है आपके इंटरव्यू लेते कहते मुझे पेशाब आया। तो जब बारिश होती है तो भजन बाहर का कुछ ये मौसम हो जाता है, आने जाने में बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये सारा मट्टी वाला रास्ता है। सलाम वालेकुम पा ताहिर, क्या हाल है? सलाम वालेकुम पा सईद, क्या हाल है? ठीक हो? सलाम सब भी है थे फिट फाट हो। बारिश स्टार्ट हुई थी रात को, तो उम्मीद ये की जाती थी कि सुबह भी बारिश होगी, लेकिन अभी ना तो धूप निकली हुई है और ना बारिश हो रही है। पास है जी, बारिश होने के नाल मौसम सेट नहीं हो गया, यानी कि सर्दी सर्दी घटी है। होगी हाँ, इससे तो काफ़ी हद तक सर्दी में कमी हुई है। चाचू अस्सलाम वालेकुम, की हाल है? ठीक हो? बारिश के नाल कैसा मौसम सेट हो गया ना? तो हूँ तुम टुप छपी ला दो, मौसम जरा ना काफ़ी हार्ड हो गया जी। हैं? हाँ वोट किसको कास्ट करेंगे चाचू? किसी को भी नहीं। पास ही था आप, आप किसको वोट देंगे? आप किसको? नवाज शरीफ को। की मुंह है तुम्हारा? हाँ जी पातार जी, आप किसको वोट देंगे जरा बता सकते हैं? किसको वोट देंगे? हम तो भाई शुरू से ही नोली के हैं और शेर को। क्या बात है, शेर शेर शेर, क्या बात है, क्या बात है। अभी जी क्या हाल है भाई? ठीक हो? बारिश के बाद काफ़ी मौसम खुशगवार हो गया है। सलाम वालेकुम। हाँ जी साईं जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? मौसम कैसा हो गया बारिश के बाद? तो बारिश के बेच कम मठा नहीं हो जाता तो फिर क्यों काट रहे हो? क्या बात, अच्छा वोट क्यों दोगे? क्या बात है। अस्सलाम वालेकुम। हां जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? वोट क्यों दोगे? वोट देंगे जो टाइम आएगा उसको देंगे। टाइम आ गया? हाले नहीं टाइम आया। फॉर एग्जांपल आज वोट है किन दोगे? हाले नहीं देना, हाले नहीं देना। माशाल्लाह क्या बात है, क्या कमाल की गाजर, और कितनी खूबसूरती से सजाया हुआ है जुबैर भाई ने, क्या कहने जनाब। एवरीथिंग इज़ फ्रेश, सीज़न में फ्रेश जूस पीता है वो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। कुछ लोगों को ये चीज़ पसंद होती है, कुछ बिल्कुल भी ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करते। क्यों जुबैर भाई, सर्दियों में सबसे जो ज़रूरी जूस है और जिसके शायद ज़्यादा फ़ायदे हैं वो कौन सा जूस है? वो गाजर चुकंदर और किन्नू का जूस है। भले भले, और ये अनार, अनार थोड़ा महंगा हो जाता है इसलिए आप अनार को रिकमेंड नहीं कर रहे जी? ठीक है, तो ये आप थोड़ा ना स्पीड से काम कीजिएगा। थोड़ा नहीं महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा है। क्या रेट चल रहा है? 700 रुपये का ग्लास है भाई जान। क्या बात है, ये फ्रेश है? जी बिल्कुल फ्रेश है जी, ये स्टोर वाला, ये स्टोर वाला नहीं है, ये फ्रेश है, गारंटी है फ्रेश की। और माशाल्लाह किन्नू भी बहुत ज़बरदस्त है, क्या कहने। काम थोड़ा स्पीड से करना चाहिए या स्लो करना चाहिए? नहीं काम पता क्या है, ये जो ख़राब दाना एक भी चला जाए ना वो फिर क्वालिटी ख़राब होती है। हाँ ज़बरदस्त, जब भी बारिश होती है तो कुछ ये सूरत हाल हो जाती है। जब हम छोटे छोटे हुआ करते थे तो अक्सर गलियों में ऐसी सूरत हाल होती है क्योंकि तब गलियाँ पक्की नहीं थी होती। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह 80-90% जो है ना वो रोड और गलियां पक्की हो चुकी हैं, जिसकी वजह से ऐसी सूरत हाल बहुत कम कम देखने को मिलती है, लेकिन जब भी बारिश होती है यहाँ पे ऐसी सूरत हाल हो जाती है। क्या नाम है इसका? मोइज़ा। मोइज़ा, तो इसका वो मेल किधर है? मेल घाट है। तंग तो नहीं करती ये? नहीं। तो लेके किधर जाने लगे हो? डॉक्टर पास। क्या हुआ इसे? बीमार हुई है। बुखार हो गया? आप कह नहीं ना सही करते इसकी, इसलिए हुआ क्या इसे? वो कहते बिला लाओ। हाँ तो बिला लेके हैं, बिला सही हो गया। हाँ ये नहीं हुई अभी भी, हो जाएगी अभी ठीक। तो घर कोई तंग तो नहीं करती इजीली? वॉशरूम करना हो तो वो वॉशरूम
इस बीच नहीं नहीं चले ठीक है आप चलो चेक करवाएं से होगी अगर तो मौसम खुलेगा नहीं होएगी बारिश लेकिन थोड़ा जिना सूरज निकलिया लेकिन फिर बदल हुए हैं जबरदस्त। 2:47 हो चुके हैं और अभी अभी थोड़ा सा सूरज निकला था फिर गैप हो गया और स्कूल का छुट्टी भी हो गई है। अभी जी टाइम हो गया मगरब का तो मगरब के टाइम थोड़ी सर्दी की शिद्दत में फिर से सफ़ा शुरू हो जाता है तो इसलिए जी लड़के ने पहन लिया अपर और ये रहे चोई साहब पा सईद और ये रहा साईं। साईं जी नहीं अच्छा आप कुछ बताएं कि आपको साईं क्यों कहते थे किसने नाम ये डाला ये कई बंदे ने नहीं चंगा सही 1000 रुपया दे दे सही वापस काट के पैसे देता चेक करवाया जी हमें भी हमारे टाउन में स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स होने के बावजूद जो स्पोर्ट्समैन है वो रेलवे स्टेशन ग्राउंड में खेलने पे मजबूर हैं क्योंकि वहाँ पे हर बंदे को इजाज़त नहीं है खेलने की। ये रहा जी हमारे टाउन का रेलवे स्टेशन जो आज से कुछ साल पहले बड़ी रौनक पेश करता था बट बहुत सारे मसले मसालों की वजह से यहाँ पे अभी ना तो कोई ट्रेन रुकती है और ना ही यहाँ पे कोई रौनक मेला होता है। ये रहा जी टाउन का पार्क तो अभी पार्क का कुछ ये नज़ारा है जी। कल जब मैं आया था यहाँ पे अच्छी खासी क्रिकेट हो रही थी तो मैंने सोचा कि आज भी पार्क चलते हैं और साथ में साथ व्लॉग बनाएंगे और साथ क्रिकेट खेलेंगे तो यहाँ पे तो भाईजान कोई भी क्रिकेट नहीं हो रही जस्ट ये दोनों भाई खेल रहे हैं पता नहीं है मुझे भी साथ खिलाते हैं कि नहीं खिलाते वहाँ पे शायद मैं भी जो क्रिकेट पिच है वो तैयार कर रहे हैं क्योंकि कुछ दिन पहले ये जो विकेट है इसको उखाड़ दिया गया था म्यूनसिपल कमेटी गखड़ की तरफ से तो अभी बच्चे जो बड़ी मेहनत कर रहे हैं देखते हैं कि इनको इनके साथ भी ऐसा रवैया अख्तियार करते हैं या शायद पता चला था कि यहाँ पे परमिशन नहीं थी लेकिन अभी ये बच्चे बड़ी मेहनत कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है ठीक हो क्रिकेट खेलने के लिए पिच बनाई जा रही है यहाँ तो सुना है कि वो परमिशन नहीं है परमिशन मिल गई है अच्छी बात है क्योंकि पहले कुछ दिन पहले वहाँ पे वो उखाड़ दी थी विकेट उन्होंने ऐसे ही है ना तो अभी परमिशन दे दी गई है अच्छी बात है क्रिकेट होनी चाहिए यार हमारी न्यू जनरेशन जो है वो स्पोर्ट्स की तरफ आए यार बड़ी खुशी होती है जब ऐसी एक्टिविटी होती है लेकिन यहाँ पे तो गंगा ही उल्टी बहती है ना। शाम तकरीबन सूरज तो बिल्कुल भी नहीं निकला आज तो इसलिए सूरज की रोशनी नहीं नजर आ रही वैसे भी मगरब का टाइम करीब है तो रात के वक्त पार्क इर्द गिर्द के जो बच्चे हैं वो झूले लेने के लिए पार्क पहुँचते हैं ये आपको वीडियो में दिखाई देते हैं तो बाकी जी यहाँ पे थोड़ी सी क्रिकेट खेलने की कोशिश करते हैं फिर इंशाल्लाह बाद में मिलते हैं आपको। जी आपको अपने दफ्तर का भी नज़ारा करवाते हैं और अपना दफ्तर विजिट करवाते हैं मैं भी अंदर ही हैं। सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप ठीक हैं लेटर बंद करके बैठे हो वाह रे वाह ये रहा जी अपना दफ्तर ऑफिस और ये रहे जी वैश भाई वैश भी कुछ काम में बिजी हैं तो ग्राउंड से हम सीधा आ चुके हैं वैश भाई के पास वैश भाई ने मंगवाई है जी बिरयानी बिरयानी आई हो और हम ना खाएं और ऊपर से भूख भी लगी हो होए 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 बिरयानी खाते हैं उसके बाद खाएं ना आप भी लग रहा है ड्रम स्टिक के कोई गल नहीं चटनी वैसे क्यों नहीं उन्होंने डाल के दिया बिरयानी में क्या बात है यार आप भी खाए ना अच्छा सर खाते हैं कि थानू बांधने चोल खाते हैं सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है ठीक सर कैसे हैं आप ठीक हैं सर 5 रोटियां मैं कहना पूरा तो हम ज़्यादा करा उस्ताद यस कर रहे हैं ये हो रही है सर
यार आप मुझे ये बताएं छुट्टी क्यों करते हैं? अच्छा डर तो ऐसे रहे, पता नहीं की कर रहे यार। देखो यार जाती है यार, जोरो अंडे किन्नी हो गई ने, छुट्टियां क्यों पे कर रहे? जोरो आ रहे हैं बाहर मुझसे। हेलो को मेरी मेरी वीडियो बन रही दो शामियां भी ने।